ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आने वाले 3 महीनों में आपको क्या क्या चीज़ें होने वाली है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मार्च अप्रैल और मई का महीना, इन 3 महीनों में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है, कौन सी चीज़ें होने वाली है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानी रखना है, कौन से उपाय करना है, इन सभी बातों को केवल आप 2.5 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा ही है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है, क्योंकि अप्रैल महीना और खासकर 15 मार्च के बाद आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। या तो आपका कोई रुका हुआ पैसा है, जो पैसा बहुत दिनों से नहीं आ रहा था वो आएगा, या आप किसी पैसे के लिए कोई चीज़ों में लगे हुए थे, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन सभी में बहुत तेज़ी आएगी और पैसे आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये बहुत हद तक संभावना आपके लिए बनी हुई है, लेकिन कुछ सावधानियाँ भी हैं और कुछ बातें भी हैं जो आपको बहुत हद तक इस 3 महीनों में जानने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात हुई कि इन 3 महीनों में लोग हमें छल कपट कर सकते हैं, खासकर भावनात्मक तौर पर बहुत सी चीज़ें नेगेटिव वे में जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी निर्णय अपनी लाइफ से जुड़े हुए आप लें, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, थोड़ा चीज़ों को अच्छे से सोचें, एकदम जल्दबाजी में एकदम तुरंत चीज़ें करके और आगे न बढ़ें, और कन्फ्यूज़ भी ना हो। मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ, इस कन्फ्यूज़न की वजह से भी कई बार हम गलत डिसीजन की ओर जाते हैं। चीज़ों को समझें, क्या अच्छे पहलू हैं, क्या बुरे पहलू हैं, और फिर आपको आगे बढ़ना है। एकदम से बिना किसी के समझे या राय लिए या मशवरा लिए आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सी तकलीफ होगी। मतलब एकल डिसीजन ना ले, खुद जो डिसीजन खुद के लिए ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने माता पिता या अपने जो भी हो उनसे जरूर ले, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ये मोमेंट इस बार होगा ही सही। अगली बात है कि इन 3 महीनों में जितना हो सके उतना आप गहरी और लंबी सांस लें। गहरी और लंबी सांस इसलिए कहने की मैं बात कह रहा हूँ, कुछ बातों पर थोड़ा ब्लैंकनेस हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी हो सकती है, तो ये चीज़ ज़रूर करें। और अपने गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय।